हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे और हमारी यूनिट 3 है डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। तो देखिए यूनिट नंबर 3 में क्या हमारा सिलेबस है उसको एक बार देख लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन बाय टेलर एंड मैकलॉरिन सीरीज, यानी कि यहां पर हम फंक्शन का एक्सपेंशन पढ़ेंगे किसकी हेल्प से, टेलर एंड मैकलॉरिन थ्योरम की हेल्प से, फॉर द फंक्शन ऑफ 1 और 2 वेरिएबल। और फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन एक वेरिएबल का भी हो सकता है और फंक्शन 2 वेरिएबल का भी हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा आप लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, लेकिन वहां पर जो आपने पढ़ा था वो मैक्सिमा मिनिमा था फॉर 1 वेरिएबल, और यहां पर जो हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर मोर देन 1 वेरिएबल। उसके बाद हम लैग्रांजियन मेथड पढ़ेंगे, ठीक, जैकोबियंस पढ़ेंगे और अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में इस यूनिट के हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग। देखिए एक्चुअल में कर्व ट्रेसिंग जो हमारा यूनिट नंबर 2 है उसी का टॉपिक है, लेकिन हम इस यूनिट के थर्ड यूनिट के एंड में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को एंड में पढ़ने से कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी यूनिट नंबर 4 में, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के लास्ट में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर जो यूनिट नंबर 3 का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम पढ़ेंगे मैकलॉरिन थ्योरम आज का हमारा टॉपिक होगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक, मैकलॉरिन थ्योरम को। तो पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए जो हमारा सिलेबस में टॉपिक है वो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, और हमें दो तरह के फंक्शन के एक्सपेंशन पढ़ने हैं, एक तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि हमें एक वेरिएबल, जो फंक्शन एक वेरिएबल का होगा उसका एक्सपेंशन पढ़ना है, फिर उसके बाद हम जो फंक्शन 2 वेरिएबल के हैं उनका भी एक्सपेंशन पढ़ना है। अब फंक्शन का एक्सपेंशन करेंगे कैसे, उसका मेथड क्या होगा, तो उसके लिए देखिए हमारे पास 2 थ्योरम है। पहले हम पढ़ेंगे मैकलॉरिन थ्योरम और उसके बाद हम पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम। इन दोनों थ्योरम की हेल्प से हम फंक्शन का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक। अब देखिए चाहे फंक्शन एक वेरिएबल का हो या 2 वेरिएबल का हो, दोनों में ही हम टेलर्स थ्योरम और मैकलॉरिन थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या देखिए, लेकिन दोनों तरफ जो टेलर सीरीज और मैकलॉरिन सीरीज दोनों तरफ है, लेकिन दोनों तरफ इनके फॉर्मूले या इनकी सीरीज अलग अलग होगी। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देखिए यहां पर जो फंक्शन है वो 1 वेरिएबल का है, तो यहां पर जो इनकी सीरीज में डिफरेंशिएशन आएगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। यहां पर जो फंक्शन है वो 2 वेरिएबल के हैं, तो यहां पर इनकी सीरीज में जो डिफरेंशिएशन आएगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब एक वेरिएबल होता है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं और जब 2 वेरिएबल होते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर हम बात करें एकेटीयू की, कि एकेटीयू में कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए एकेटीयू में आप ये मानकर चलिए कि 70-80% क्वेश्चन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल से आते हैं, यानी कि ये हमारा एकेटीयू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधा यहां से भी ये क्वेश्चन, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वहां से क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज, यहां की अगर हम बात करें जो एक्सपेंशन ऑफ 1 वेरिएबल है, यहां पर एक्चुअल में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो यहां पर हमारे पास काफी सारे ऐसे फंक्शन होंगे जो कि स्टैंडर्ड फंक्शन है और उनकी सीरीज हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में या आगे की जो यूनिट है या आगे जो हम मैथ सेकेंड और मैथ थर्ड आगे जाके पढ़ेंगे वहां पर कहीं ना कहीं इनके जो फॉर्मूले होंगे वो हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बहुत सारे देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी हमारे पास यहां पर कुछ आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैकलॉरिन थ्योरम। देखिए मैकलॉरिन थ्योरम जो होती है एक्चुअल में ये टेलर्स थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है, टेलर्स थ्योरम का ही क्या एक स्पेशल केस है, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले मैकलॉरिन थ्योरम उसके बाद हम टेलर सीरीज पढ़ेंगे। तो जब हम टेलर सीरीज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मैकलॉरिन सीरीज टेलर सीरीज का ही एक स्पेशल केस क्यों है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मैकलॉरिन थ्योरम को, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, मैकलॉरिन सीरीज, ठीक है, मैकलॉरिन सीरीज। देखिए ध्यान दीजिए क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, लेट fx बी ए फंक्शन ऑफ x। यहां पर fx क्या है, fx एक फंक्शन है किसका, वेरिएबल x का, वेरिएबल x का, विच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ x, जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इन पावर ऑफ x, और पावर कैसी होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी। असेंडिंग पावर ऑफ x का मतलब है कि जो x की पावर होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी कि x की पावर इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। एंड द एक्सपेंशन कैन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम कितनी भी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब वो
एनी नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है। तो अब आप देखिए, अगर ऐसा कोई फंक्शन है वन वेरिएबल का जिसको हम एनी नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसका एक्सपेंशन क्या आएगा अकॉर्डिंग टू मैकलोरिन सीरीज, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको आप जरा ध्यान से देखिए। देखिए तो हमें किसका एक्सपेंशन लिखना है, एफ एक्स का, एफ एक्स का। चलिए मैं एफ एक्स का एक्सपेंशन लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जो मैकलोरिन सीरीज है, जो मैकलोरिन सीरीज है उसको हम जीरो के अबाउट लिखते हैं, यानी कि एक्चुअल में जो टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज का ये एक स्पेशल केस है। तो मैकलोरिन सीरीज में जो हम एक्सपेंशन करते हैं फंक्शन का, वो जीरो के अबाउट करते हैं। किसके अबाउट करते हैं, जीरो के। तो देखिए मैकलोरिन सीरीज में सबसे पहले क्या टर्म आएगी, सबसे पहले यहां पर एफ जीरो आएगा। एफ जीरो का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि जो हमें गिवन फंक्शन होगा एफ एक्स, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे किस पर, एक्स इक्वल टू जीरो पे। उसके बाद प्लस, देखिए प्लस क्या आएगा, अब यहां पर जो गिवन फंक्शन है उसको आप एक बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको मालूम है देखिए, अगर हमें फंक्शन एफ एक्स दिया है, तो अगर मैं एफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करूं तो हम उसको लिखते हैं एफ डैश एक्स, दो बार कर दें तो एफ डबल डैश एक्स, तीन बार कर दें तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बढ़ता जाता है, फिर फोर लिखेंगे, फिर फाइव लिखेंगे, इस तरह से हमारा एक्सपेंशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हमें यहां पर जो हमारे पास सेकेंड टर्म होगी उसमें क्या आएगा, एफ डैश जीरो, यानी कि फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसमें एक्स की जगह जीरो रखेंगे और जो वैल्यू आएगी वो यहां पर आ जाएगी। फिर प्लस, अब हम फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार, और दो बार डिफरेंशिएट करके उसमें फिर से एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे और जो वैल्यू आएगी यहां पर पुट करेंगे। अगेन फिर से प्लस, अब तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे और तीन बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे और फिर यहां पुट कर देंगे। प्लस, अब देखिए यहां पर हम फंक्शन को एनी नंबर ऑफ टाइम कितने भी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये तो चलता ही जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम क्या कर देंगे, डैश 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 डैश, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए अगर आप उसको एन नंबर टाइम आपने डिफरेंशिएट किया, कितनी बार, एन टाइम्स, तो क्या आएगा, एफ एन, और उसमें भी आप एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे और उसकी वैल्यू को यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैकलोरिन सीरीज से ये एक्सपेंशन हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए और क्या आएगा, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, आसान है। पहले एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, बढ़ता जाएगा अभी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए अब जो हमारे पास वेरिएबल है एक्स, वो वेरिएबल इसमें मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिए, पहली टर्म में एक्स नहीं आएगा, दूसरी टर्म में एक्स आएगा, सेकेंड टर्म में एक्स आएगा। यहां पर देखिए अगर एक बार डिफरेंशिएट हुआ है फंक्शन तो एक्स एक बार आएगा, अगर दो बार डिफरेंशिएट हुआ है तो एक्स दो बार आएगा, यानी कि x की पावर 2, x दो बार आने का मतलब x की पावर 2, और अगर x की पावर 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल, ध्यान रखना। यहां तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है, x की पावर 3 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और यहां पर अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है तो x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास मैकलोरिन सीरीज है जिसको आपको याद रखना है, ठीक, क्यों, क्योंकि हम इसी सीरीज को सभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे जिनको हम मैकलोरिन थ्योरम से या मैकलोरिन सीरीज से सॉल्व कर रहे हैं, उन सभी में हमें ये एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वर्किंग रूल पे, देखिए वर्किंग रूल क्या है, कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन मैकलोरिन सीरीज से, उसके लिए वर्किंग रूल क्या है, उस पर जरा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं क्या है। देखिए हमारे पास यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के केवल चार स्टेप है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसको एफ एक्स के इक्वल रख देंगे, मतलब मान लेंगे, देखिए जिसका भी आपको मैकलोरिन सीरीज से एक्सपेंशन करना है, आप उस फंक्शन को एफ एक्स एज्यूम कर लीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू जो भी आपका गिवन फंक्शन है। स्टेप नंबर टू, जब आपने एफ एक्स मान ही लिया है फंक्शन को, तो अब आपको क्या करना है, अब आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, कितने बार डेरिवेटिव करेंगे, कम से कम तीन बार तो आपको डेरिवेटिव करना है, बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन में कितनी बार डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, तो बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, कम से कम तीन बार तो करना ही है। चलिए तो यानी कि आप एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये सब फाइंड कर लेंगे। इसको करने के बाद आपके पास जो भी फंक्शन है और जो भी डेरिवेटिव आए हैं उन सभी में आप एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे। देखिए अगर आप x की वैल्यू को जीरो पुट कर दें तो कहां कहां जीरो पुट करना है, एक तो fx में, उसके बाद fx के जितने भी डेरिवेटिव हैं उन सभी में आप x की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे, और ऐसा करने से आपको f0,
एफ डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, ठीक है, एफ डबल डैश ट्रिपल डैश जीरो, जितने भी डिफरेंशिएशन है उन सबकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। और जैसे ही इन सबकी वैल्यू आपको मिलेगी, आप क्या करेंगे, मैक्लोरेंस थ्योरम को लिख देंगे, मैक्लोरेन सीरीज को लिख देंगे, और उसमें देखिए उसमें एफ जीरो एफ डैश जीरो सभी की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, और ऐसा करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फंक्शन का फाइनल एक्सपेंशन मिल जाएगा, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट है मैक्लोरेन सीरीज, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हमें बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले, कुछ स्टैंडर्ड सीरीज हमें यहां से मिलेंगी, ठीक है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड ए की पावर एक्स, हमें ए की पावर एक्स को एक्सपेंड करना है, एंड ई की पावर एक्स इन पावर ऑफ एक्स बाई मैक्लोरेन थ्योरम, यानी कि हमें मैक्लोरेन थ्योरम का यूज करके ए की पावर एक्स और e की पावर x दोनों को एक्सपेंड करना है, यानी कि यहां पर एक ही क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, हमें यहां पर दो फंक्शन गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो हमारा क्या था, कि जो भी फंक्शन आपको दिया है आप उसको एफ एक्स मान लेंगे, तो हम यहां पर ऐसा ही करेंगे। स्टेप नंबर वन है हमारा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x, हमने गिवन फंक्शन को एफ एक्स मान लिया। उसके बाद देखिए क्या करना है, स्टेप नंबर टू फाइंड एफ डैश एक्स एफ डबल डैश, मतलब हमें यहां पर एक्सपेंशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए एफ डैश एक्स, अब एफ डैश एक्स ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, देखिए यहां पर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं क्योंकि वेरिएबल एक ही है, ठीक है। जब हम दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का एक्सपेंशन करेंगे, तो वहां पर हम पार्शियल डेरिवेटिव भी करेंगे। तो यहां पर देखिए एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ए की पावर एक्स और लॉग ए, आपको याद होगा ये फॉर्मूला, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ डबल डैश एक्स, और एफ डबल डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अगेन लॉग ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, लॉग ए वैसे ही रहेगा, ए की पावर एक्स का फिर से ए की पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा, तो लॉग ए दो बार आ जाएगा, यानी कि इसका एक्सपेंशन आएगा ए की पावर एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार आ चुका होगा, ये कितनी बार आ जाएगा, टू टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट एफ ट्रिपल डैश एक्स, तीन बार डेरिवेटिव करेंगे, ए की पावर एक्स लॉग ए की होल पावर थ्री, होल पावर कितनी आ जाएगी, थ्री, और ये ऐसे ही चलते जाएगा, उसके आगे के भी डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तीन से ही हम काम चला लेंगे, तीन से ही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मिनिमम, हमें क्योंकि यहां पर हमें बोला नहीं है कि एक्स की पावर हमें कहां तक चाहिए, तो मिनिमम तीन तक हमें कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास तीन एक्सपेंशन आ गए, अब हम क्या करेंगे, इसी के बराबर में हम इनकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए जरा, हाँ यहां पर मुझे क्या करना है, देखिए मेरा स्टेप नंबर वन भी कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर टू भी कंप्लीट हो गया, मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए, नाउ स्टेप नंबर थ्री, सभी में एक्स की जगह क्या रखूंगा, जीरो। तो चलिए स्टेप थर्ड, यानी कि हमें क्या करना है, पुट एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहां से क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं एक्स की जगह जीरो रखूंगा सबसे पहले फंक्शन में, तो एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो एफ जीरो और ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो आपको अच्छे से मालूम है वन होता है, भाई किसी भी फंक्शन की या किसी भी नंबर की पावर अगर आप जीरो कर देंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा वन ही आएगी। चलिए आगे एफ डैश जीरो, अब हम इसमें जीरो रखते हैं, तो देखिए एफ डैश यहां पर अगर आप जीरो रखोगे तो ए की पावर जीरो तो वन हो जाएगा, लेकिन यहां से लॉग ए आ जाएगा, यानी कि एफ जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखिए एफ जीरो की वैल्यू ए की पावर जीरो लॉग ए, यानी कि फाइनली मेरे पास आ जाएगा लॉग ए, लॉग ए। उसके बाद थर्ड यहां पर रखते हैं एफ डबल डैश में, तो यहां पर अगर मैं इसको पुट करूंगा डबल डैश में जीरो, तो देखिए कितना आ जाएगा, ए की पावर जीरो लॉग ए का होल स्क्वायर, तो ए की पावर जीरो वन हो जाएगा, अगेन मेरे पास लॉग ए की पावर टू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में रखेंगे एफ ट्रिपल डैश जीरो में, तो यहां पर भी ए की पावर जीरो लॉग ए की पावर थ्री, तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, लॉग ए की होल पावर थ्री। तो ये देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो और एफ ट्रिपल डैश जीरो, है ना।
इसके आगे भी आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कहा ना जाए तो आपके लिए तीन टर्म ही क्या है, सफिशियंट है, क्योंकि आगे भी इसी सिक्वेंस में आएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास पहला स्टेप हमारा हो गया, दूसरा स्टेप हमारा हो गया, थर्ड स्टेप भी हमारा हो गया। नाउ पुट एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो एफ ट्रिपल डैश जीरो इन मैक्लॉरिन सीरीज। तो पहले आप मैक्लॉरिन सीरीज को लिखिए और उसके बाद मैक्लॉरिन सीरीज में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए मैं यहां पर मैक्लॉरिन सीरीज लिखने जा रहा हूं, देखिए क्या होगी मैक्लॉरिन सीरीज, ध्यान दें। देखो हमारे पास एफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ये देखिए मैक्लॉरिन सीरीज है जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस डैश 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 डैश, बस इतना, तीन टर्म सफिशियंट है अगर नहीं कहा गया कुछ भी, ठीक है ना। देखिए आप ध्यान दें मैंने यहां पर एडेड टर्म भी लिखी है, लेकिन इसको लिखना जरूरी नहीं है, जब कहा जाए तभी लिखेंगे आगे, ठीक है। आप अगर केवल अगर आप इसको केवल यहां तक अगर आप इसको याद कर ले तो ये आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। आगे की जब जरूरत पड़ेगी तो आगे हम लिखते चले जाएंगे, बढ़ाना इंक्रीज करना एक एक पावर को बस। चलिए देखिए तो कितना आ जाएगा यहां पर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आप जरा इसमें वैल्यू, देखिए मैक्लॉरिन सीरीज मैंने लिख दी है, हमें अब क्या करना है, पुट एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो इन मैक्लॉरिन सीरीज। तो चलिए मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखिए कितना आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू देखिए कितना आएगा, एफ एक्स एफ जीरो कितना है वन, तो यहां पर आ जाएगा वन प्लस एफ डैश जीरो लॉग ए। तो देखिए लॉग ए यानी कि मेरे पास यहां पर क्या आएगा, लॉग ए और एक्स, एक्स एज इट इज रहेगा प्लस, अब यहां पर देखिए एफ डबल डैश जीरो लॉग ए स्क्वायर, लॉग ए स्क्वायर और इनटू में एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस प्लस आगे देखिए नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। अब यहां पर हमने एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश भी ले लेते हैं, कितना आएगा लॉग ए की पावर थ्री, लॉग ए की पावर थ्री एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड प्लस डैश 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 डैश, ये चलते जाएगा और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, यही हमारे पास लॉग ए की पावर एक्स का फाइनल एक्सपेंशन आ चुका है, ठीक है। ए की पावर एक्स का फाइनल एक्सपेंशन हमारे पास आ चुका है, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है ना। यही हमारे पास फाइनली, देखिए ये फाइनली हमारे पास एक्सपेंशन आ गया है, यही हमारा क्या है आंसर है, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा इस सीरीज है और ये स्टैंडर्ड सीरीज है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हमें आगे भी काम आएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला है क्या एक्चुअल में, एफ एक्स, अब एफ एक्स की जगह ध्यान दीजिए यहां पर मैं एफ एक्स की जगह पर क्या लिखूंगा, देखो एफ एक्स एक्चुअल में एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारे पास ए की पावर एक्स, तो यहां पर मैं लिखूंगा ए की पावर एक्स, तो ये मेरे पास ए की पावर एक्स की सीरीज आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स की पावर ए की पावर एक्स की सीरीज। तो ये हमारे पास ए की पावर एक्स की सीरीज है जो कि हमने मैक्लॉरिन सीरीज से ड्राइव की है। अब उसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट क्या था इसका, उसको भी जरा ध्यान देते हैं, सेकेंड पार्ट अगर हम सेकेंड पार्ट पर ध्यान दें तो सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना था ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। देखो अगर आप ई की पावर एक्स, अगर केवल हमें एग्जाम में ई की पावर एक्स का एक्सटेंशन फाइंड आउट करने के लिए आता है तब तो हमें यही पूरा करना पड़ेगा जैसे हमने यहां पर किया एज इट इज, लेकिन अभी क्योंकि हमने ई की पावर एक्स को कैलकुलेट कर लिया है और हमें ई की पावर एक्स कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जहां पर ए लिखा है वहां पर ई को पुट कर दीजिए। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या, यहां पे a की पावर x है वहां पर e की पावर x है, तो जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर आप क्या पुट कर दें e। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू e, और ऐसा करने से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा करने से आपको मिलेगा e की पावर x इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा e की पावर x इक्वल टू, देखो वन वन तो ऐसे ही रहेगा प्लस, अब ध्यान दें ये लॉग e आ जाएगा, यानी कि लॉग e इंटू एक्स,
लॉग ई इंटू एक्स प्लस, और आगे चले ये लॉग ई का होल स्क्वायर आएगा, लॉग ई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस लॉग ई की पावर थ्री, नीचे लिख देता हूं इस टर्म को, देखिए टू फैक्टोरियल इसके बाद प्लस लॉग ए की होल पावर थ्री और एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ये हमारे पास सीरीज आएगी ए की पावर एक्स की। अब इसमें एक चीज और ध्यान दें अगर आप लोग, तो देखो लॉग ई कितना होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो लॉग ई की वैल्यू है, मैं पहले भी बता चुका हूं, लॉग ई इक्वल टू वन, लॉग ई इज ऑलवेज इक्वल टू वन, लॉग ई की वैल्यू वन होती है। तो अगर मैं यहां पर लॉग ई की जगह वन पुट कर दूं तो देखिए ई की पावर एक्स का फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा वन प्लस, देखो यहां पर लॉग ई वन हो जाएगा तो एक्स बचेगा, यहां पर लॉग ई वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन होता है तो मेरे पास बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस, यहां भी वन हो जाएगा तो एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। तो फाइनली मेरे पास e की पावर x का जो एक्सपेंशन है वो ये आएगा, e की पावर x का एक्सपेंशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि हमें फंक्शन को एक्सपेंड करना है इन द इंक्रीजिंग असेंडिंग पावर ऑफ x। आप देख सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x की जो पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और यहां पर फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम भी क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, ये आगे बढ़ता जा रहा है डैश डैश डैश, ठीक है। तो मिनिमम आपको x की पावर 3 तक तो आपको लिखना ही है, तीन बार आपको मिनिमम डेरिवेटिव करना है। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैक्लॉरिन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है सब आसान है, बस आपको यही चार स्टेप फॉलो करने हैं, यही चार स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप इन चार स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बाकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन है, क्वेश्चन सब आसान है। आगे देखिए नेक्स्ट, एक्सपेंड साइन एक्स, एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, यानी कि अगेन हमें मैक्लॉरिन्स सीरीज की हेल्प से साइन एक्स को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि हमें साइन एक्स की सीरीज फाइंड करनी है, हमें क्या करना है साइन एक्स की सीरीज को कैलकुलेट करना है। तो फिर से हमारा पहला स्टेप क्या होगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, हमें जो भी फंक्शन दिया है हम उसको क्या करेंगे एफ एक्स के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो देखिए एफ एक्स एफ डैश एक्स कितना आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, हमें डिफरेंशिएट करते जाना है सिंपल एकदम। और आगे चले तो तीन बार अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो अगेन क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए साइन एक्स का फिर से कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स का फिर से कॉस एक्स आएगा, ठीक है। इसको देखिए अब आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स का फिर साइन एक्स आ जाएगा, तो इसको मैं एक दो बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूं आगे, ठीक है ना। देखिए एफ देखिए फोर्थ टाइम्स, देखिए कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और एक माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। देखिए मैंने एक बार और डिफरेंशिएट किया इसको, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला है कि कहां तक करना है कितनी पावर तक करना है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और किया, क्योंकि देखो अगर आप देखो तो वापस डिफरेंशिएट होते होते वापस हमारे पास साइन एक्स से हमने स्टार्ट किया था, फिर से हम साइन एक्स पे पहुंच गए। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। तो यहां पर मैंने थोड़ा आगे तक एक्सपेंड कर दिया है, थोड़ा और आगे तक, आप चाहें तो तीन तक ही रोक सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप और दूसरा स्टेप तो पूरा हो गया, देखो जरा हमने एफ एक्स को गिवन फंक्शन के इक्वल मान लिया है, ये भी हमने डिफरेंशिएबल भी कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें एक्स की जगह क्या रखना है जीरो रखना है। तो ध्यान दीजिए एक्स की जगह जीरो रखने पे क्या आएगा, देखो एक्स की जगह पर जीरो, यही बराबर में पुट करेंगे एक्स के जीरो, एक्स के लिए कितना पुट करेंगे जीरो। देखिए तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा एक्स जीरो, सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए अगर आप साइन एक्स में एक्स की जगह जीरो रख देंगे तो साइन जीरो हो जाएगा और साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। एफ डैश एक्स यानी कि एफ डैश जीरो, तो कॉस जीरो वन होता है, सभी को मालूम है,
कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, आप सबको मालूम है। उसके बाद एफ डबल डैश जीरो, यहां पर देखो फिर से साइन एक्स आ गया, तो साइन जीरो जीरो होता है, और जीरो में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम जीरो लिखेंगे। उसके बाद एफ ट्रिपल डैश जीरो, देखो यहां पर अगेन कॉस एक्स आ गया, और कॉस जीरो वन होता है, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ, तो माइनस वन आएगा, यहां पर क्या आएगा, माइनस वन आएगा। उसके बाद एफ फोर्थ जीरो, यानी कि एफ एक्स को हमने चार बार डिफ्रेंशिएट किया था, तो यहां पर अगर आप जीरो रख देंगे तो यहां पर वैल्यू देखिए क्या आएगी, जीरो आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, जीरो। और लास्ट में इसमें अगर हम जीरो रख दें तो यहां पर देखिए कॉस एक्स है, अगेन वैल्यू वन आ जाएगी। तो हमारे पास जो है वैल्यूज आ चुकी है, अब हमें क्या करना है, मैकलोरेंस थ्योरम का यूज करना है। तो अब हम यहां पर मैकलोरेंस थ्योरम लिखेंगे, तो यूजिंग मैकलोरेंस थ्योरम है ना, तो देखिए क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस, देखिए यहां पर आप एक लाइन लिख सकते हैं कि यूजिंग मैकलोरेंस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू मैकलोरेंस थ्योरम। तो मैं यहां पर डायरेक्ट थ्योरम लिख रहा हूं, एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ जीरो प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल तीन बार जीरो तीन बार डैश, मतलब तीन बार डेरिवेटिव करेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, और यहां पर कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया, चार बार, प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, और यहां पर एफ वी और जीरो, एफ फिफ्थ टाइम्स हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, और प्लस और आगे डैश 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 डैश। देखिए एक्चुअल में क्या होगा, देखो यहां पर जीरो वन जीरो वन जीरो, मतलब यहां पर जीरो, यानी कि जिस देखिए जहां पर जीरो आ गया वो टर्म कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, कंप्लीटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है कि हम थोड़ा आगे तक लिखें, नहीं तो अगर हम तीन ही टर्म लिखते स्टार्टिंग में, अगर ट्रिपल डैश तक लिखते तो यहां तक क्या होता, हमें दो ही टर्म मिल पाती, दो तो जीरो हो जाती। चलिए अब यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा हमारे पास, देखो जरा एफ एक्स इक्वल टू, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, एफ जीरो कितना है, जीरो, तो इसकी जगह जीरो आएगा, प्लस एफ डैश जीरो कितना है, वन। अब देखो यहां पर एक्स लिखा है और वहां से वन आएगा, तो वन इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, प्लस यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश जीरो है, देखो जब एफ डबल डैश जीरो है तो पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। यहां पर आ जाइए, एफ तीन बार जो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो वैल्यू आई माइनस वन, तो इसका मतलब यहां पर देखो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, भाई इसकी वैल्यू माइनस वन है और एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल हमारे पास है। उसके आगे चले तो जब हमने चार बार डिफ्रेंशिएट किया तो वैल्यू जीरो थी, देखिए इसकी वैल्यू जीरो है, तो अगली टर्म फिर से जीरो आएगी। और आगे बढ़े तो यहां पर देखिए जब हमने पांच बार डिफ्रेंशिएट किया तो वहां पर वैल्यू कितनी है, वन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, ठीक है, फाइव फैक्टोरियल, ठीक। तो यानी कि देखो प्लस माइनस प्लस, और अगली जो भी टर्म आएगी फिर से जीरो आएगा, अगली टर्म में फिर से क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और ये हमारा एक्सप्रेशन ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, देखिए देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स पहली टर्म क्या है यहां पर, एक्स प्लस, एक्स के बाद देखिए प्लस नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास प्लस वाली टर्म जीरो हो गई, एक्स के बाद प्लस वाली टर्म जीरो होगी, फर्स्ट टर्म है नहीं, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। उसके बाद आगे बढ़े एक्स की पावर फाइव प्लस में एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल। अब जरा ध्यान दीजिए, देखो अब हमें ये सिक्वेंस मिल गया, पैटर्न पता चल गया, अब हम चाहें तो इसके आगे की और दो चार टर्म लिख सकते हैं। देखिए कैसे, देखो यहां पर ये प्लस है, यहां माइनस है, प्लस है तो अगली टर्म में भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके बाद अगर आप एक्स की पावर पे ध्यान दें
तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 5 है, यानी कि पावर ऑड नंबर है, तो अगली जो टर्म आएगी उसकी पावर जो होगी वो 7 होनी चाहिए, और नीचे क्या आना चाहिए 7 फैक्टोरियल। इसके आगे की टर्म भी आप बता सकते हैं, अब क्या आएगा x की पावर 9 आएगा और अपॉन में 9 फैक्टोरियल आएगा और प्लस में आएगा। तो इसीलिए आप अगर स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो आगे की जितनी भी टर्म्स हैं आप उनका आंसर इजीली बता सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, और हमारे पास जो सीरीज का एक्सपेंशन था वो हमारे पास आ चुका है। देखिए सीरीज का एक्सपेंशन हमारे पास आ चुका है, तो हम यहां पर fx, एक्चुअल में fx क्या है हमारे पास, fx है sin x, तो ये हमारा sin x का एक्सपेंशन हो गया, ये किसका हो गया sin x का एक्सपेंशन। तो फाइनली जो हमारे पास ये आंसर आया है, देखिए ये जो हमारे पास आंसर आया है ये किसका है, सीरीज है sin x की, sin x, तो ये है sin x का एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin x है ना, यानी कि sin x को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये sin x की सीरीज है, क्या है ये sin x की सीरीज है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम sin x की सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, या मैकलॉरिन थ्योरम से किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। सभी क्वेश्चन का एक ही तरीका है, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन बदलेगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए cos x है, और ट्राई योर सेल्फ, आप अपने आप इसको करिए, कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया बिल्कुल एज इट इज इसी के जैसा है। हाँ, जब आप फाइनली आपका आंसर आएगा तो देखो इसमें ऑड पावर आ रही है, cos x की जो सीरीज होगी उसमें सारी इवन पावर आएंगी, देखो इसमें इवन वाले जीरो हो गए हैं, cos x में ऑड वाले जीरो हो जाएंगे और इवन पावर आएंगे सारी की सारी, क्या आएंगे इवन पावर, बाकी प्लस माइनस ऑल्टरनेट वहां पर भी होगा। तो ये आप अपने आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सपेंड 10x, अब हमें 10x को एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है 10x को, तरीका वही होगा, इन पावर ऑफ x बाय मैकलॉरिन थ्योरम एज फार एज x की पावर 5, देखो यहां पर अब कंडीशन दे दी इन्होंने, कहां तक एक्सपेंड करना है x की पावर 5 तक, यानी कि हमें इसको वहां तक एक्सपेंड करना है जब तक x की पावर 5 नहीं आ जाती। चलिए ठीक, उसके बाद देखिए और कुछ भी पूछा है इसमें, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 46 डिग्री 30 मिनट, ये सब लोग समझते हैं 46 डिग्री है और 30 मिनट है, 30 क्या है मिनट है। ठीक, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें tan 46 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, बस हमें अपने जो हमारा वर्किंग रूल है, जो हमारे स्टेप्स है, उन्हीं को फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टेप हमारा, हमारे पास क्या है कि हम गिवन फंक्शन को fx के इक्वल मान लेंगे, कि let fx इज इक्वल टू 10x, हमने मान लिया कि जो गिवन फंक्शन है वो fx है, fx इक्वल टू 10x। अब क्या करेंगे, अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। देखिए fx का डिफरेंशिएशन f डैश x कितना आ जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन सबको मालूम है sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, fx का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ये सभी को मालूम होगा। और देखिए अब यहां पर थोड़ा सा हमें सिंप्लीफिकेशन करते हुए भी चलना है, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। अब क्या करें, जो sec स्क्वायर x है, आप अच्छे से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, कि sec स्क्वायर x की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, मतलब हमें बार बार tan x को ही लाना है। ठीक है ना, तो देखिए tan x का डिफरेंशिएशन हुआ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, है ना, तो इसी आइडेंटिटी का मैंने यहां पर यूज किया। अब मैं इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा, f डबल डैश x फाइंड करेंगे। देखो इसका मतलब हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है इसको, देखे जरा किसको करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर x को, देखिए अब sec स्क्वायर x को नहीं करेंगे, sec स्क्वायर x की जगह मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर x पुट कर दिया है, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, और tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, देखिए tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, अगर tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो पहले पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 2 tan x होगा, अब tan x का करेंगे तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, यानी कि यहां पर मेरा डिफरेंशिएशन होगा 2 tan x, 2 tan x, अब sec square x
sec स्क्वायर x। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, sec स्क्वायर x की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देखिए यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 tan x और ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर x। और इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं नीचे, देखो जरा इस 2 tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 tan x प्लस, देखिए 2 tan की पावर 3 हो जाएगा, tan की पावर 3 x। देखिए 2 tan x को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो ये मेरे पास f डबल डैश 2x आ गया। अब इसके बाद आगे देखें, आगे डिफरेंशिएट करें, f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू, यानी कि एक बार और डिफरेंशिएट करना है इसको। तो देखिए इस बार क्या आएगा, देखिए 2 tan x का फिर से 2 sec स्क्वायर x प्लस, यहां पर देखो tan की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है तो 3 पहले मल्टीप्लाई में आएगा तो 3 और पावर एक कम हो जाएगी, 3 tan स्क्वायर x, देखिए 2 into 3 tan स्क्वायर x, अब tan x का करेंगे तो इंटू में sec स्क्वायर x आ जाएगा, इंटू में sec स्क्वायर x आ जाएगा। अब इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, देखिए जरा, देखिए sec स्क्वायर x की जगह फिर से मैं लिख रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x प्लस 2 3 जा 6 tan स्क्वायर x, और ब्रैकेट में अगेन आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की जगह फिर से मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब अंदर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो देखिए कितना आएगा, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 6 tan स्क्वायर x प्लस 6 tan की पावर 4x प्लस 6 tan की पावर 4x, ऐसा हमारे पास एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऐड करके लिखते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर x 6 tan स्क्वायर x 8 tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो 2 प्लस 8 tan स्क्वायर x प्लस 6 tan की पावर 4x। अब इसका एक्सपेंशन कर दिया हमने, ठीक है ना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आगे देखें f 4 डैश, यानी कि फोर्थ टाइम हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें x की पावर 5 तक पहुंचना है, मतलब हमें इसको 5 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, यहां पर 8 tan स्क्वायर का पहले ये मल्टीप्लाई में आएगा 2 tan x इनटू sec स्क्वायर x प्लस 6 पहले 4 मल्टीप्लाई में आएगा इनटू tan की पावर 3 x, ठीक है। अब देखो 4 मल्टीप्लाई में आया, tan की पावर 1 कम हो गई और फिर से sec स्क्वायर x मेरे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, ध्यान दीजिए इधर देखिए हमारे पास क्या क्या आएगा, sec स्क्वायर x की जगह पर मैं लिख देता हूं tan स्क्वायर x, तो देखो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 tan x और ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस ब्रैकेट क्लोज, देखिए sec स्क्वायर x की जगह मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर x पुट किया, ये हो गया 24 tan की पावर 3 x और यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कितना आएगा, देखिए हाँ यहां पर नेक्स्ट देखिए आगे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो मेरे पास हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसको, f 4 डैश को, ठीक है ना, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए कितना आ रहा है। अब जरा ध्यान दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 16 tan x प्लस 16 tan की पावर 3x प्लस 24 tan की पावर 3x प्लस 24 tan की पावर 5x 24
टेन की पावर फाइव एक्स, ये मेरे पास फाइनली एक एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है ना। फाइनली इस तरह से मेरे पास आंसर आएगा। अभी इसको हमें एक बार और भी करना है, देखिए कितना आ जाएगा एक बार और करने पे। देखो इसको थोड़ा सा और ऐड करके लिख दें, 16 टेन एक्स प्लस, देखिए 16 और 24 40 हो जाएगा, तो 40 टेन की पावर 3x प्लस 24 टेन की पावर 5x, ये मेरे पास एक बार। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर x की पावर 5 नहीं बोला होता तो हम केवल तीन ही बार करते, हम केवल तीन बार करते, लेकिन अब हमारे पास बोला गया है तो हमें पांच बार करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, फिफ्थ डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से। अगर इसको मैं एक बार और करूं तो 16 sec स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहां पर 40 इंटू, अब 3 पहले मल्टीप्लाई में आएगा, 3 टेन एक्स इंटू टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स प्लस, अब उसके बाद देखिए 24 नीचे लिख रहा हूं मैं, 24 5 पहले मल्टीप्लाई में आएगा, 10 की पावर 4x और sec स्क्वायर x, ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैं यहां पर, अब हम sec स्क्वायर x की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर नहीं पुट कर रहे क्योंकि हमारा लास्ट है और यहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं sec स्क्वायर x को कॉमन ले लेता हूं, sec स्क्वायर x को कॉमन ले लेंगे, देखिए कितना बचेगा 16 प्लस, यहां देखिए 40 इंटू 3 120 टेन एक्स प्लस, यहां से भी sec स्क्वायर x कॉमन चला गया तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये भी 120 हो जाएगा, 120 10 की पावर 4x, और इन देखिए 10 की पावर 4x, 120 10x और 120 10 की पावर 4x, ये मेरे पास f डैश, f मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। चलिए तो हमने सभी डेरिवेटिव को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए, देखिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, हमने एफ एक्स को लिख दिया, सभी डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सभी में एक्स की जगह जीरो पुट करना है। कहां कहां जीरो पुट करना है, एक तो एफ एक्स में, एफ डैश एक्स में, हम एकदम फाइनल जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए पुट एक्स इक्वल टू जीरो, मैं यहां पर लिख दिया एक्स इक्वल टू जीरो क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, एकदम ठीक सामने लिख ले रहे थे, लेकिन अब हमारे पास सामने लिखने का यहाँ पर स्पेस नहीं है। हालांकि जब आप कॉपी में इसको करेंगे तो देखिए ये कॉपी में करते समय आप क्या करेंगे, इसको आप सीधे वर्टिकल करते जाएंगे, सीधे ऊपर से नीचे वर्टिकल करते जाएंगे और उनकी वैल्यू को उन्हीं के सामने लिख देंगे। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, लेकिन आप ठीक सामने लिखें। तो देखो एक्स को जीरो पुट करेंगे पहले एफ में, एफ जीरो, देखिए एफ जीरो कितना आएगा, एफ जीरो ध्यान दीजिए, एफ जीरो देखिए कहां पर पुट करेंगे, ये रहा एफ एक्स, एफ एक्स में एक्स की जगह जीरो पुट करो, टेन जीरो हो जाएगा, टेन जीरो जीरो होता है, तो इसका मतलब एफ जीरो की वैल्यू जीरो। उसके बाद एफ डैश जीरो कहां पर है, ये रहा एफ डैश जीरो, ये रहा मेरे पास, इसमें वैल्यू को पुट करें तो यहां पर भी देखिए, अगर आप वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स ये तो जीरो हो जाएगा, टेन स्क्वायर वन बचेगा, यानी कि एफ डैश जीरो मेरे पास आ जाएगा वन। अब चलते हैं डबल डैश में, डबल डैश में एक्स की जगह जीरो पुट करके देखें क्या आ रहा है। देखिए ये रहा डबल डैश, अगर आप इसमें जीरो पुट करेंगे देखो टू टेन एक्स, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि टेन एक्स आ रहा है, टेन जीरो जीरो होता है, और यहां भी जीरो हो जाएगा, यानी कि पूरा ओवरऑल जीरो आएगा। देखिए हमने डेरिवेटिव इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन निकाले हैं, लेकिन जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जीरो वन जीरो छोटे छोटे नंबर आएंगे। उसके आगे और देखें, अब हम कैलकुलेट करते हैं एफ ट्रिपल जीरो को, देखिए तीन बार कहां पर किया था, ये रहा देखो यहां पर, देखो ये टेन एक्स वाला तो जीरो हो जाएगा, केवल टू आएगा, जहां पर भी टेन आ रहा है वो तो जीरो हो जाना है, तो कितना आंसर आएगा यहां से, टू, तो ये आ गया मेरे पास टू, ये लीजिए टू। उसके बाद फोर्थ वाले में वैल्यू पुट करें, फोर्थ वाला कहां है फाइनली, ये रहा, देखो सब में टेन आ रहा है, जीरो आएगा,
क्या आएगा? जीरो। इसका मतलब एक टर्म जीरो आ रही है हमेशा। उसके बाद फिफ्थ डेरिवेटिव में एक्स की जगह जीरो पुट करें, कहां है फिफ्थ डेरिवेटिव? ये रहा। इसमें देखो अगर आप sec, sec जीरो वन होता है, सबको मालूम है sec जीरो कितना होता है, वन। तो यहां पर मैं पुट करूंगा तो sec स्क्वायर जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहां पर पुट करेंगे जीरो, ये भी जीरो, केवल 16 बचेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 16। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो मेरे पास एक्स जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, मैक्लोरेंस थ्योरम लिखनी है, और मैक्लोरेंस थ्योरम लिखने के बाद इन सभी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास 10x का एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, 10x का एक्सपेंशन मेरे पास आ जाएगा। देखिए, चलिए तो मैं 10x के एक्सपेंशन को लिखता हूं। पहले मैं मैक्लोरेंस थ्योरम यहां पर लिख लेता हूं। देखिए कितना होगा, ध्यान दीजिए, मैक्लोरेंस रेस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो। अच्छा, एक्स भी लिखना था अभी इसमें। देखिए, एक्स टाइम्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल और फंक्शन का डेरिवेटिव फोर टाइम्स जीरो पे प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल और इसका डेरिवेटिव फिफ्थ टाइम जीरो पे एंड प्लस डैश 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 आगे चलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर वैल्यूज को पुट कर देता हूं और हमारा इजिली जो है आंसर आ जाएगा। देखिए तो सबसे पहले एफ एक्स, एफ एक्स क्या था, fx की वैल्यू को लिख लेता हूं मैं। fx था 10x, पहले यहां पर 10x लिखो, 10x। देखिए कितना आएगा 10x, f0, f0 कितना था, f0 जीरो है। तो पहली टर्म तो जीरो, प्लस सेकंड टर्म कितनी है, जरा सेकंड टर्म पे ध्यान दे, f डैश जीरो। देखिए ये जीरो, f डैश जीरो वन है, f डैश जीरो क्या है, वन है। तो ये 1x into 1x आएगा प्लस f डबल डैश जीरो, f डबल डैश जीरो को देख लेते हैं, f डबल डैश जीरो जीरो ही है। तो जीरो इंटू, देखिए जीरो में यहां लिख दूंगा तो जीरो इंटू जीरो ही आ जाएगा सब कुछ, प्लस f को तीन बार, यहां पर कितना आ रहा है, टू आ रहा है, तो टू लिखेंगे, यानी कि यहां पर मेरे पास आ जाएगा टू x की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, टू एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, प्लस एक्स की पावर फोर और उसके साथ फोर्थ डेरिवेटिव है तो फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू अगेन जीरो, तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, यानी कि ये भी जीरो आ गया। प्लस लास्ट वाली टर्म को देखें तो लास्ट वाली टर्म की वैल्यू हमारे पास 16, तो ये आएगा मेरे पास 16 एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल और डैश डैश चलते जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो जरा सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, देखो 10x, 10x इज इक्वल टू यहां पर x प्लस जीरो नहीं लिखना है, देखो ये 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2x की पावर 3 और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल का मतलब मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए अगर मैं 2 का फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, अगर मैं 3 का फैक्टोरियल लिखना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल आप लिख रहे हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबको आता है, ठीक है ना, सबको आता है ये कैसे लिखना है। तो यहां पर मैंने 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा, क्यों लिखा यहां पर, पहले नहीं लिखा था क्योंकि अभी यहां पर मेरे पास ऊपर भी 2 आ रहा है तो 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए इसको ओपन करके लिख दिया। प्लस देखो यहां भी मेरे पास 16 है और x की पावर 5 है तो मैं नीचे भी ओपन करके लिखूंगा, देखिए नीचे ओपन करके क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस डैश 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 ऐसे ही चलते जाएगा। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या होगा, कुछ चीजें कट जाएंगी, देखिए 4 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 4 टाइम्स, फिर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, इतना ही आएगा। तो चलिए देखिए फाइनली क्या आ गया मेरे पास, 10x इक्वल टू 10x
इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस यहां पर देखो टू बचा, टू एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव थ्री या फिफ्टीन, यानी कि टू अपॉन फिफ्टीन प्लस डैश डैश डैश। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, टेन एक्स का एक्सपेंशन आ गया है। देखिए ये है हमारा टेन एक्स का एक्सपेंशन। और अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमें और कुछ भी पूछा था, क्या पूछा है, एस फार एस एक्स की पावर फाइव, यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 46 डिग्री 30 मिनट, 46 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू फाइंड करनी है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। कहां तक? 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखें कितना आएगा हमारे पास, 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो सबसे पहले तो टेन 46 डिग्री और 30 मिनट लिखा है, टेन 46 डिग्री और 30 मिनट। अब यहां पर पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां पर मुझे फाइंड क्या करना है, आगे ध्यान दे जरा, मुझे फाइंड करना है टेन, x की जगह क्या आ रहा है 46 डिग्री 30 मिनट, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब यहां पर जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यहां पर x की जगह 46 डिग्री 30 मिनट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल रेडियन में है, डिग्री में है। आपको यहां पर जब x की वैल्यू आप पुट करेंगे आगे, तो इसको आपको रेडियन में पुट करना होगा। तो आपको पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पहले से ही आता होगा क्योंकि 11th क्लास में बहुत पढ़ा है हमने ये टॉपिक। देखिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए मिनट आपको अच्छे से मालूम होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो देखिए यहां पर 30 मिनट है, इसका मतलब 30 मिनट में अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो क्या 30 मिनट में 1/2 डिग्री हो जाएगा? देखो आप ऐसा समझिए कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, यहां मिनट टाइम वाला नहीं है बेटा, ये एंगल है। देखिए एंगल की डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यहां पर एंगल की बात हो रही है, टाइम की बात नहीं हो रही है। तो 30 मिनट के एंगल में हाफ डिग्री होता है, 30 मिनट के एंगल में कितना होता है? हाफ डिग्री। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास 46 डिग्री 30 मिनट का एंगल है, ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए 46 डिग्री और 30 मिनट का जो एंगल है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 46 वन बाई हाफ डिग्री, मैं 30 मिनट का 30 मिनट की जगह 1/2 लिख सकते हैं। और इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखिए ये आपका आ जाएगा 93/2 डिग्री, 93/2 डिग्री। अब आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो देखिए डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन 180 से। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी रेडियन में। इसमें आ जाएगी रेडियन में। तो देखिए इस वैल्यू को देखिए कितनी आएगी, ये मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, एक बार कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास आएगा 93 डिवाइडेड बाय 2, 93 को 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई से। देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, 93 मल्टीप्लाई में हमारे पास है पाई, ठीक, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, देखिए 180 2 से और 180 से, तो इसको डिवाइड करें 2 से फिर डिवाइड करें 180 से। तो ये मेरे पास वैल्यू, देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.812, ये हमारी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो अब जरा ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर 10 46 डिग्री 30 मिनट, आप x की जगह 46 डिग्री 30 मिनट नहीं रखेंगे बेटा, क्योंकि यहां पर आपको x की वैल्यू रेडियन में पुट करनी होती है। तो चलिए रेडियन में पुट करते हैं, यहां पर वैल्यू 0.812 प्लस 0.812 की पावर 3। अब देखिए विदाउट कैलकुलेटर ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आप, 2/15 और 0.812 की पावर 5, ठीक है, प्लस डैट।
अब यहां पर देखिए क्या करेंगे आप, कैलकुलेटर से इसकी पावर 3 करेंगे, इसकी पावर 5 करेंगे, कैलकुलेटर से इजीली हो जाएगा, और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1046 डिग्री 30 मिनट की जो आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखिए मैं वैल्यू को डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं कि आंसर क्या होगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर होगा 1.0374, ये फाइनली इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर कैलकुलेटर में ये वैल्यू को इनपुट डाले, कैलकुलेटर में इसको वैल्यू को डाले, आपको फाइनली ये आंसर मिल जाएगा। तो हमने 1046 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और देखिए ये आंसर हमारा करेक्ट है, आपको वैसे भी पता चल जाएगा। देखिए क्यों, 1045 की वैल्यू 1 होती है और 10 जो है इंक्रीज करता है 0 से लेकर 90 तक, तो देखिए 1045 1 होता है तो 1046 डिग्री 30 मिनट 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो देखिए 1 से थोड़ा सा ज्यादा आ भी रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन था, देखिए इस क्वेश्चन से आपको अगर आप ध्यान दें तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर एक तो आपको 10x की सीरीज पता चल गई, 10x की सीरीज क्या है ना, 10x की सीरीज, एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 10x की सीरीज आपको पता चल गई है। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आगे चल के आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, 10x की सीरीज है। उसके बाद आपको 10x की सीरीज में जो डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसान है। डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप उस नंबर को जो भी डिग्री में दिया है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद यहां पर पुट कर दें, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, एक्सपेंड साइन इनवर्स एक्स अप टू 4 टर्म्स इन पावर ऑफ एक्स। आपको साइन इनवर्स एक्स को एक्सपेंड करना है, कहां तक एक्सपेंड करना है, इन टर्म्स अप टू 4 टर्म्स तक करना है, 4 पावर तक नहीं, 4 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है ना, 4 टर्म्स तक आपको एक्सपेंड करना है साइन इनवर्स एक्स। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, है ना, हमें इसको एक्सपेंड करना है, स्टेप हमारे पास वही रहेंगे, स्टेप चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। हमने फंक्शन को मान लिया, एफ एक्स को मान लिया कि वो कितना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, ध्यान दीजिए एफ डैश एक्स। अगर आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको अच्छे से याद है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही होगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब आगे देखिए, अब इसका जब देखिए अगर इसका मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूं आगे जाके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे रूट लिखा है। तो इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिखा जा सकता है, मैं रूट का मतलब पावर 1/2 ही होता है। इसका मतलब ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं, देखिए ऊपर अगर हम इसको लेके जाए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2, तो ये मेरे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स मेरे पास आ जाएगा। अब आगे क्या करें, क्या इसी एक्सपेंशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें, देखिए करने के लिए आप कर सकते हैं, इसको आप एक बार करें फिर जो आएगा दो बार करें, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन करते समय देखिए ये माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फिर पावर 1/2 आएगी, फिर आप माइनस 2x का 2x करेंगे, यानी कि यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, आपको प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा और रूट को भी हैंडल करना पड़ेगा, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट करना आगे। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 है, यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या आप सभी लोगों को बाइनोमियल थ्योरम मालूम है, देखिए बाइनोमियल थ्योरम, यहां पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए जितने भी फंक्शन हमारे इनवर्स वाले हैं, इनवर्स वाले में आप फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो और उसके बाद उसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, बाइनोमियल थ्योरम को लगाने के बाद हमारा आगे का डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। अब ध्यान दे बाइनोमियल थ्योरम क्या है, मैं बाइनोमियल थ्योरम यहां लिख देता हूं, देखिए जरा बाइनोमियल थ्योरम हमारी होती है 1 प्लस एक्स की होल पावर एन
वन प्लस एक्स के होल पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स। देखिए ध्यान देना, वन प्लस एन इंटू एक्स प्लस, देखिए मैं यहां पर बाइनोमियल थ्योरम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूं, ओरिजिनल बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, वन प्लस एक्स के होल पावर एन वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल और प्लस, ये इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब ध्यान देना जरा, देखिए वन प्लस वन वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस। अब इसके आगे वाला एक्सटेंशन मैं लिखूंगा तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री और अपॉन में फोर फैक्टोरियल आएगा। तो ये हमारा होता है बाइनोमियल थ्योरम। तो इसी बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए जरा बाइनोमियल थ्योरम से कैसे एक्सपेंड होगा ये, देखो देखिए एफ डैश एक्स, देखो एक्सपेंड करते हैं यहां पर। अब ध्यान देना एन कितना है, एन है माइनस वन बाई टू और x की जगह पर क्या आ रहा है, x की जगह पर आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे x के प्लेस पे माइनस एक्स स्क्वायर है और n के प्लेस पे माइनस वन बाई टू है। तो इसको जरा मैं एक्सपेंड करता हूं, देखते हैं क्या आएगा, वन उसके बाद प्लस n की जगह माइनस वन बाई टू और x की जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा तो ये आ गया एन एक्स प्लस, आगे बढ़े प्लस एन इंटू एन माइनस वन। अब इधर ध्यान देना एन कितना है, माइनस वन बाई टू। अगर आप माइनस वन बाई टू में से, देखिए अगर आप एन में से, ध्यान देना यहां पर माइनस वन बाई टू ये हो गया एन, एन माइनस वन, अगर आप माइनस वन बाई टू में से माइनस वन कर देंगे, देखिए माइनस वन बाई टू में से अगर आप माइनस वन कर देंगे तो एलसीएम टू आएगा माइनस वन माइनस टू, यानी कि फाइनली आपके पास माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा। तो n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस थ्री बाई टू अपॉन में टू फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर भी यहां ध्यान देंगे, x कितना हमारे पास यहां पर, x की जगह आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म देखिए क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म n n माइनस वन एन माइनस टू और आगे बढ़ेंगे तो प्लस माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू और एक और माइनस कर देंगे तो माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा, ये ऐसे ही आते चले जाएगा अपॉन में थ्री फैक्टोरियल, अपॉन में थ्री फैक्टोरियल और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। देखिए कितनी पावर आ जाएगी, यहां पर एक्स था, यहां एक्स स्क्वायर था और यहां पर एक्स की पावर थ्री, तो एक्स की पावर थ्री प्लस डैश डैश, ये चलते जाएगा और आगे हम इसको नहीं लिख रहे हैं। तो मैंने यहां पर आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन जो है वो करा दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखें ये हमारी जो बाइनोमियल थ्योरम है इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंशन करना है मैक्लॉरिन थ्योरम से तो आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पर कितना आएगा वन प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, देखो यहां पर कितना आएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पर माइनस एक्स, देखिए यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर फोर आएगा, एक्स की पावर फोर और यहां से देखिए कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस ऊपर थ्री डिवाइडेड बाई, देखिए टू टू जा फोर ये हो गया और इंटू टू फैक्टोरियल टू ये आ गया एट आ जाएगा, मतलब थ्री अपॉन एट एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर प्लस, आगे देखे जरा कितनी बार माइनस आ रहा है, एक दो तीन, तीन बार माइनस आ रहा है और एक यहां से भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री है, ऑड पावर है तो ये भी माइनस, तो चार माइनस हो जाएंगे, तो चार माइनस हो जाएंगे तो प्लस ही हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में देखिए ऊपर वन थ्री फाइव यानी कि ऊपर आ जाएगा फिफ्टीन और नीचे कितना आ जाएगा, देखो टू फोर एट, एट तो ये आ गया
और नीचे 3 फैक्टोरियल है यानी कि 3 इंटू 2 ये आ जाएगा, और x की पावर हो जाएगी 6, x की पावर कितनी आ जाएगी 6। तो अगले स्टेप में अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 8 एक्स की पावर 4 प्लस देखिए 15 अपॉन 8 3 जा 24 एंड 2 48 एक्स की पावर 6। तो ये मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एफ डैश एक्स आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आया है, इसको आप नोट कर लीजिए बाइनोमियल थ्योरम को, मैं रफ कर रहा हूं इधर से देखिए। तो ये मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया, तो एफ एक्स भी आ गया मेरे पास, एफ डैश एक्स भी आ गया मेरे पास। अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूं और एफ डबल एक्स, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम को लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लिया है। देखिए अब इसको एफ डबल डैश फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा देखो जरा, अगर इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे देखो कितना आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x अपॉन 2 प्लस यहां पर देखो 4x, x की पावर 4 का 4x क्यूब आ जाएगा यानी कि 3 इंटू 4x क्यूब अपॉन 8 प्लस यहां 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा देखिए 15 अपॉन 8 48 का ऐसे ही रहेगा इंटू 6x की पावर 5। अब यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देने, 2 से 2 कट गया, यहां पर 4 से ये 2 टाइम्स कट गया और यहां पर 3 से 3 से नहीं 6 से पूरा कट जाएगा 6 इंटू 8 48। तो फाइनली मेरे पास जो एफ डबल डैश एक्स आएगा देखिए कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स ये आएगा देखो ध्यान से, यहां से x बचा प्लस यहां 3 बाई 2 बचा एक्स क्यूब और यहां पर 15 अपॉन 8 बच गया और x की पावर 5 आ गई, x की पावर कितनी आ गई 5। अब आगे चलते हैं देखिए, अब मुझे क्या करना है और इसको आगे डिफरेंशिएट करना है। आगे डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इधर देखिए आगे कर लेता हूं, ध्यान दें देखो f को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास उसको मैं लिख लेता हूं। देखिए ये मेरे पास आ जाएगा, देखिए x का तो 1 हो जाएगा तो 1 प्लस देखो एक्स क्यूब का जब मैं करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3x स्क्वायर और 3 बाई 2 पहले से ही लिखा है, 3 बाई 2 पहले से ही लिखा है, इसका आ गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एक पावर कम हो जाएगी, यहां पर 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x की पावर 4 हो जाएगी, 15 बाई 8 को ऐसे ही रखेंगे और 5 को मल्टीप्लाई में आएगा और x की पावर हो जाएगी 4। देखिए सिंप्लीफाई करके कुछ आएगा देखो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 3 जा 9 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आ गया 75 अपॉन 8 एक्स की पावर 4। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव एफ एक्स का। अब फोर्थ डेरिवेटिव देखिए कितना आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव को फाइंड आउट करूं तो देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा और यहां ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, 9 इंटू 2 एक्स अपॉन 2 प्लस यहां पर 4 मल्टीप्लाई में आएगा 75 अपॉन 8 ऐसी रहेगा 4 इंटू एक्स की पावर 3। तो यहां से देखिए 2 से 2 कट गया और यहां 4 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 9 एक्स प्लस यहां पर देखिए जरा 75 अपॉन 2 एक्स क्यूब, ये मेरे पास फोर्थ डेरिवेटिव आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं फिफ्थ डेरिवेटिव देखिए कितना आएगा, अगर यहां से मैं फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं तो इसको एक बार और करेंगे 9 आ जाएगा और इसको एक बार और करेंगे तो 75 अपॉन 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में आएगा और एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 225 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, 225 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। अगर इसको मैं एक बार और आगे एक बार और कर लेते हैं देखिए, एक बार और डिफरेंशिएट करें 6 टाइम
तो कितना आ जाएगा, 9 का 0 और ये 225 अपॉन 2 इंटू 2x, और 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास ये बचेगा फाइनली 225x। देखो सिक्स डेरिवेटिव तक हमने फाइंड आउट कर लिया है, कहां तक, सिक्स डेरिवेटिव तक हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हमें साइन इनवर्स एक्स का 4 टर्म्स तक निकालना था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, हम एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे। कहां कहां पर पुट करेंगे, एफ एक्स में पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स में पुट करेंगे, है ना। जो हमने थर्ड डेरिवेटिव किया उसमें करेंगे, फोर्थ में करेंगे, फिफ्थ में करेंगे, सिक्स में करेंगे, और सबको करने के बाद मैक्लॉरिन सीरीज में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। देखें तो सबसे पहले मैं मैक्लॉरिन सीरीज को लिख लेता हूं। देखिए क्या होगी मैक्लॉरिन सीरीज मेरे पास, देखिए एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो और नीचे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और यहां पर फोर्थ टाइम आएगा प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और यहां पर एफ, ठीक है। चलिए अब यहां तक ही रखते हैं, पहले ये वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास आंसर। देखिए तो इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे, पहले हम फाइंड आउट, अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है। चलिए मैं इधर राइट साइड में वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें पहले, चलिए वैल्यू को ही फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, ध्यान दीजिए। देखिए वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ जीरो देखिए कितना आएगा, एफ जीरो मेरे पास आ जाएगा। देखो यहां पर अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, देखिए साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन इनवर्स 0 कितना होगा 0, तो मेरे पास पहली टर्म आ गई 0। उसके बाद f डैश 0, चलिए f डैश 0 को चेक करते हैं कितना आएगा। देखो जरा f डैश कहां पर था हमारे पास फाइनली, देखिए f डैश आपने सिंप्लीफाई करके आप यहां तक आए थे, है ना। तो यहां पर अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद f डबल डैश 0 भी फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा डबल डैश में, डबल डैश ये रहा, ये यहां पर अगर आप x को 0 पुट करेंगे देखो सारे टर्म x की है, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद आगे चले तीन बार में देखो ये दोनों 0 हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। देखिए हमें 4 टर्म्स तक निकालना है, 4 टर्म्स तक, है ना। तो देखिए 4 टर्म्स तक क्या आएगा, ध्यान दीजिए, देखो 4 टर्म्स हमने कहां तक निकाल दिया, थर्ड तक निकाल दिया, फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में अगेन 0 आएगा, फोर्थ में अगेन मेरे पास 0 ही आएगा, तो ये लीजिए 0। उसके बाद नेक्स्ट देखें फिफ्थ में कितना आएगा, फिफ्थ में अगर मैं फाइंड आउट करूं तो 9 आ जाएगा, देखो फिफ्थ में 9 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 9 आएगा, 9। उसके बाद सिक्स्थ, सिक्स में देखें कितना आएगा, सिक्स्थ कितना था 225x, 0 आएगा, कितना आएगा 0, ठीक है। क्या हमारे पास 4 टर्म हो जाएंगे, 1 2 3, अभी तक देखिए फोर्थ टर्म नहीं हुई है, ठीक है ना। फिर बाकी सब टर्म तो 0 हो जाएंगे, जहां 0 आ रहा है मैक्लॉरिन सीरीज में वही तो बचेगा जहां पर 0 नहीं है। तो इसका मतलब अभी हमारी 4 टर्म नहीं हुई है और हमें क्वेश्चन में अप टू 4 टर्म्स पूछा है, अप टू 4 टर्म्स पूछा है, यानी कि इसको मुझे एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए आसान है, अगर इसको आप 7th टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स। देखिए यहां पर x की जगह 0 पुट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म 0 ही आएगी, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, सॉरी नेक्स्ट टर्म मेरे पास कितना आ जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करने से 225 आएगा और इसमें कोई x है नहीं, तो लास्ट टर्म इसका मतलब 7th टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, 7th डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा। देखिए 7th डेरिवेटिव
ये मेरे पास आ जाएगा 225, ये फाइनली मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। अब मैं लिखूंगा मैकलोरिन सीरीज और उसमें कर देंगे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। देखिए अब यहां पर मैं मैकलोरिन सीरीज लिख रहा हूं, देखिए कितना आएगी, देखें देखिए यूजिंग मैकलोरिन सीरीज तो क्या होती है हमारे पास सीरीज, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो प्लस यहां पर टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल और फोर्थ डेरिवेटिव प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल और यहां पर फिफ्थ डेरिवेटिव प्लस एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल और यहां पर सिक्स डेरिवेटिव प्लस एक टर्म्स और बची है उसको भी मैं लिख देता हूं। देखिए नीचे लिख रहा हूं प्लस एक्स की पावर सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल और एफ सेवन जीरो प्लस डैश 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 डैश। अब जरा मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखिए अब हमारे पास देखिए एफ एक्स कितना है, पहले एफ एक्स को लिख लेते हैं। एफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स एफ जीरो, एफ जीरो देखिए कितना है, यही पर लिखा है बराबर में एफ जीरो जीरो प्लस एफ डैश जीरो वन, तो ये एक्स आ जाएगा प्लस एफ डबल डैश जीरो जीरो प्लस ट्रिपल डैश वाला कितना हमारे पास वन, यानी कि ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर डैश वाला जीरो है प्लस फिफ्थ डैश वाला नाइन है, तो यानी कि ये आएगा नाइन एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल प्लस उसके बाद सिक्स वाला भी हमारे पास क्या है जीरो है तो जीरो हो जाएगा प्लस सेवन वाले में टू टू फाइव, टू टू फाइव एक्स की पावर सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल प्लस और ये ऐसे हमारे पास डैश डैश करके फाइनली आ जाएगा, ठीक है ना, डैश डैश करके फाइनली हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हमें आगे अभी और सिंप्लीफाई करना है, और भी सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखिए जरा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन, देखिए थ्री फैक्टोरियल को ओपन करेंगे यहां पर भी क्योंकि ऊपर भी कुछ नंबर आ रहे हैं, तो देखिए थ्री फैक्टोरियल कितना होता है, थ्री फैक्टोरियल आपको मालूम है थ्री इंटू टू इंटू वन है ना, लेकिन हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे वन टू थ्री करके लिखते हैं, वन इंटू टू इंटू थ्री एक ही बात है, चलिए प्लस नाइन एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव प्लस टू टू फाइव एक्स की पावर सेवन और नीचे आ जाएगा सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन एंड प्लस डैश डैश डैश। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर कोई नंबर आ जाता है तो नीचे फैक्टोरियल को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री ये तो ऐसे ही आएगा प्लस यहां पर देखे जरा थ्री से ये थ्री टाइम्स कैंसिल होगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर आपके पास थ्री एक्स की पावर फाइव आएगा और नीचे वन इंटू टू इंटू फोर इंटू फाइव आ जाएगा प्लस यहां पर देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो यहां से एक तो फाइव से कैंसिल होगा, फाइव फाइव फोर या ट्वेंटी टू और फाइव फाइव, ठीक है तो 45 टाइम्स चला गया, क्या अभी और भी जाएगा, बिल्कुल देखिए यहां से 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए 15 टाइम्स चला जाएगा, 15 अभी भी ये 3 से जाएगा तो 3 से ये 2 टाइम्स और 3 से ये आपका जाएगा 5 टाइम्स, तो ऊपर कितना बच गया 5, अब और कुछ कैंसिल नहीं होगा, ऊपर बचा 5 x की पावर 7 इनटू डिवाइडेड बाय 1 इनटू 2 बचा इनटू 4 बचा इनटू बचा 7,
एंड प्लस डैश डैश डैश। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देखिए ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर एक्सपेंशन इस सीरीज का आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इजी क्वेश्चन था, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अब आगे देखें, चलिए अब एक्सपेंड टेन इनवर्स एक्स, इसको आपको अपने आप ट्राई करना है, एक बार अपने आप घर में करें, जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स को किया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली साइन इनवर्स एक्स की जगह ही हमारा टेन इनवर्स एक्स भी होगा, टेन इनवर्स एक्स। तो ये आपको अपने आप ट्राई करना है, बिल्कुल सेम होगा। इसका और भी आसान हो जाएगा जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आप उसको ऊपर ले जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम से उसको एक्सपेंड कर देंगे, और उसके बाद फाइनली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड लॉग वन प्लस एक्स इन पावर ऑफ एक्स एंड देन फाइंड द सीरीज लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स एंड हेंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लॉग ई 11 अपॉन 9 अप टू 5 प्लेसेस। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले जो आपको गिवन फंक्शन है उसको आप एफ एक्स मान लेंगे, तो आपके पास जो गिवन फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स, आपको इसको पहले एक्सपेंड फाइंड इसको एक्सपेंड करना है इन पावर ऑफ एक्स, और उसके बाद आपको फाइंड करना है लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को। तो पहले इसको फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं इसका एक्सपेंशन कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले यहां पर एफ डैश एक्स को फाइंड करेंगे, तो देखिए एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन आप सबको मालूम है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहां पर एक्स की जगह 1 प्लस एक्स लिखा है, तो कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। उसके बाद 1 का करेंगे 0 आएगा, एक्स का करेंगे 1 आएगा, तो हमारे पास लॉग एक्स लॉग 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको एक काम करते हैं, पहले इसको ऊपर लेके जाते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 हो जाएगा ऊपर जाके। देखिए नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब इस फंक्शन को मुझे एक्सपेंड करना है, इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। अब ध्यान दीजिए जरा, यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 है, क्या इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें? देखिए आप करने के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको विदाउट बाइनोमियल थ्योरम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान है। देखिए कैसे, क्योंकि यहां पर 1 लिखा है, 1 x x लिखा है, x का डिफरेंशिएशन 1 ही आता है, तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ध्यान दीजिए जरा। देखिए एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसको, तो f डबल डैश x देखो कितना आएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 1 प्लस x की पावर हो जाएगी माइनस 2। फिर माइनस 1 में से पावर को 1 करेंगे, माइनस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद मैं 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा 0 आएगा, और x का डिफरेंशिएशन करूंगा 1 आएगा, यानी कि यहां पर चेन रूल लगाने के बाद मुझे 1 ही मिल रहा है 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन, इसलिए मुझे यहां बाइनोमियल थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर x स्क्वायर या x की पावर 3 आ जाता तो फिर से मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाता। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू माइनस 2 और 1 प्लस x की पावर माइनस 3। नेक्स्ट डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4। देखिए यहां पर सिंपल हम क्या कर रहे हैं, पावर को मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, और बाकी एक पावर क्या हो रही है आपकी, माइनस 1 होती जा रही है। नेक्स्ट में क्या आएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो देखिए यहां से हमारे पास अब क्या आ जाएगा, देखें जरा, ये मुझे मिल जाएगा। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0, तो जहां जहां भी आपके पास x है वहां पर 0 पुट करेंगे। तो ऐसा करने से देखिए हमें सबसे पहले मिलेगा f0, f0 कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो log 1 हो जाएगा, एंड log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 कितना होता है 0। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखें जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर x की जगह 0 पुट कर दूं f'x में, देखिए f'x में x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 की पावर माइनस 1 आ जाएगी, और 1 की पावर माइनस 1 1 ही होता है, तो हमारे पास यहां पर f'x यानी कि f'0 मेरे पास आ जाएगा 1, f'0 1 आ जाएगा। उसके बाद डबल डैश,
अगर मैं डबल डैश जीरो फाइंड आउट करूं तो डबल डैश में x की जगह 0 1 की पावर -2। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर x की जगह 0 रखेंगे तो यहां पर -1 आ रहा है, तो यानी कि मेरे पास वैल्यू आएगी -1। उसके बाद नेक्स्ट में पुट करेंगे, यहां पर अगर आप पुट करते हैं तो देखो कितना आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, -1 × -2 + 2, तो मेरे पास वैल्यू आएगी +2। नेक्स्ट में देखें, अगर यहां पर आप x को 0 सब्स्टिट्यूट करें तो देखो ये तो 1 हो जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 या 6, और माइनस में 6 आएगा क्योंकि 3 बार -9 आ रहा है, तो -6 आ जाएगा। नेक्स्ट को फाइंड आउट करेंगे, फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ में कितना आएगा, यहां पर अगर ये तो 1 होगा, अगेन यहां पर -1 -2 -3 -4 मल्टीप्लाई करें, 2, 3 जा 6 एंड 6, 4 जा 24, और 4 बार माइनस है, 4 टाइम्स माइनस है, तो ये वैल्यू आएगी 24। कितनी आ जाएगी? 24। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम यहां पर मैक्लॉरिन थ्योरम को लिखेंगे, और मैक्लॉरिन थ्योरम लिखने के बाद वैल्यू क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होगी हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो प्लस देखिए एक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस आगे की टर्म मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिए एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल और यहां 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल और यहां पर हमने 5th टाइम्स डिफरेंशिएट किया और प्लस डैश 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 हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखिए कितना आएगा आंसर, fx कितना है, log 1 + x, तो पहले तो मैं fx की जगह log 1 + x पुट कर देता हूं, इज इक्वल टू देखिए f0 कितना है 0 प्लस f डैश 0 1 है तो 1 × x प्लस f डबल डैश 0 देखिए f 0 हमारे पास f डैश 0 1 है f डैश 0 1 आ गया f डबल डैश कितना आएगा -1 f डबल डैश मेरे पास आएगा -1 देखेंगे तो ये 0 आ गया f डैश 0 1 आ गया मेरे पास तो 1 × x उसके बाद डबल डैश -1 तो ये -1 की वजह से देखिए कितना हो जाएगा f डबल डैश -1 है तो -x²/2 फैक्टोरियल उसके बाद f ट्रिपल डैश में देखें 2 तो यानी कि +2x³/3 फैक्टोरियल उसके बाद नेक्स्ट प्लस f 4 डैश कितना है -6 और x²/4/4 फैक्टोरियल ठीक है फिर उसके बाद प्लस फिफ्थ वाला कितना है 24 तो 24x²/5 फैक्टोरियल और प्लस डैश डैश जाएगा आगे ठीक। अब यहां से देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली मेरे पास आएगा log 1 + x इज इक्वल टू देखिए फर्स्ट टर्म तो 0 है x - x² देखिए 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं 2 × 1 2 होता है इसको भी एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नंबर आ रहा है प्लस 2x³/3 × 2 × 1 -6x²/4/4 × 3 × 2 × 1 और इसके बाद प्लस नेक्स्ट हम नीचे लिख रहा हूं 24x²/5/5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड प्लस डैश 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 तो यहां से हमें देखो क्या मिल गया यहां से हमें मिल गया log 1 + x। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया यहां से 3 से 2 टाइम्स जाएगा 2 से 2 कट जाएगा उसके बाद यहां पर देखें आप तो यहां पर 4 से 6 टाइम्स 3 से 2 टाइम्स और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो फाइनली देखिए हमारे पास क्या बचेगा x - x²/2 + x³/3
माइनस एक्स की पावर 4/4, देखिए यहां पर मेरे पास बचा 4, उसके बाद प्लस एक्स की 5, एक्स की पावर 5/5 एंड प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से हमें log 1 प्लस x की वैल्यू क्या हो गई है, मिल गई है। हमारे पास log 1 प्लस जो है वो आ चुका है। अब आगे इसको देखें, आगे अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो देखिए आगे कितना आ जाएगा। देखिए तो हमारे पास फाइनली log 1 प्लस x का आंसर कितना आ गया, उसको जरा एक बार देख लेते हैं। log 1 plus x is equal to, देखिए कितना आ रहा फाइनली, ये हमारे पास आ रहा है x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस माइनस आएगा, देखिए x क्यूब अपॉन 3 माइनस x की पावर 4/4, x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 5/5 एंड प्लस डैश डैश डैश। ये मेरे पास आ गया log 1 प्लस x। अब आप ध्यान दें, log 1 प्लस x हमारे पास ही आया है, और अगर इसमें आप ध्यान दे, देखिए क्वेश्चन में 1 माइनस 1 प्लस x, यानी कि पहला पार्ट हमारा ये, यहां तक ये हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे अगर आप इसमें देखिए तो log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। इसके लिए पहले मुझे log 1 माइनस x पता होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान देना, अगर मैं यहां पर log 1 x की जगह अगर माइनस x पुट कर दूं, देखिए इस पूरी सीरीज में अगर हम x की जगह माइनस x पुट कर दें तो मुझे डायरेक्टली 1 माइनस x मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 माइनस x हम दोबारा फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे x की जगह पर माइनस x पुट कर देंगे। तो देखिए ऐसा करने से क्या मिलेगा, ये माइनस x हो जाएगा, यहां पर माइनस। अब ध्यान देना यह x स्क्वायर है, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, यानी कि ये टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर देखो अगर x की जगह माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहां पर x की पावर 4/4 ही रहेगा, ये x की पावर 5/5 हो जाएगा माइनस में डैश डैश डैश, यानी कि मुझे log 1 प्लस x की सीरीज भी मिल गई और मुझे log 1 माइनस x की सीरीज भी मिल चुकी है। अब देखिए मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था log e 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। तो ये कैसे फाइंड होगा, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉगरिथमिक का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए जरा, अगर मैं log 1 प्लस x में से log 1 प्लस x में से माइनस कर दूं log 1 माइनस x को, log 1 प्लस x में से log 1 माइनस x को माइनस कर दें तो देखिए कितना आएगा, ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज को माइनस करना है, x की पावर 4/4, x की पावर 5/5, इसमें से माइनस करना है नीचे वाली सीरीज को, इसमें से माइनस करना है नीचे वाली सीरीज को, देखिए इसमें से माइनस कर देते हैं नीचे वाली सीरीज कितनी है, माइनस x, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, माइनस x की पावर 3/3, माइनस x की पावर 4/4, माइनस x की पावर 5/5 माइनस, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा, देखिए अब यहां पर तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n। तो log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, और इसी की हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। देखिए log, ठीक है, तो log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आप ध्यान दीजिए ये सारे टर्म प्लस में हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये सभी टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। और अगर मैं x को x के साथ प्लस करूंगा तो 2x आएगा प्लस, देखो अब यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है और यहां पर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं आएगी, ये टर्म नहीं आएगी। उसके बाद x की पावर 3/3 और यहां पर भी x की पावर 3/3 प्लस में रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इवन वाली पावर कट जाएंगी, ऑड वाली पावर ऐड हो जाएगी। तो ऑड वाली पावर को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 5/5 प्लस। अब देखो पैटर्न पता चल गया, तो आगे की एक दो टर्म हम और भी लिख सकते हैं, x की पावर 7/7 प्लस आगे भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास फाइनली
जो मुझे कैलकुलेट करना था log 1 plus x upon 1 minus x, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसके आगे जो देखिए ये पूछा है log 11 upon 9, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए log 11 upon 9 पूछा है, तो log 11 upon 9 कब आएगा, देखो जरा log 11 upon 9 कब आएगा, देखो अगर आप यहां पर x की जगह पर, आप यहां पर क्या करें, x की जगह पर 1 upon 10 पुट कर दें, पुट x equal to 1 upon 10 both side, both side, आप दोनों तरफ x के प्लेस पर 1 upon 10 पुट कर दें, ऐसा करने से क्या होगा, देखो जरा लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, 1 plus x upon 1 minus x लिखा है। देखिए ये कैसे पता चलेगा कि क्या ऐड करना है, एक्चुअल में आपसे जो पूछा गया 11 upon 9 है ना, 11 upon 9, तो आपको यहां चेक करना पड़ेगा कि 11 upon 9 कब आ सकता है x की वैल्यू पुट करके, तो अगर आप x की वैल्यू को 1 by 10 पुट कर देंगे तो देखिए आ जाएगा कैसे, 1 plus 1 upon 10 divided by 1 minus 1 upon 10, अगर आप ऊपर का एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 10 plus 1 11 upon 10 और नीचे आ जाएगा 10 minus 1 9 upon 10 और 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 upon 9 मेरे पास आ जाएगा और मुझे जो कैलकुलेट करना है वो 11 upon 9 की वैल्यू है। तो मैं यहां पर अगर x की जगह 1 by 2 पुट कर 1 by 10 पुट करता हूं तो लेफ्ट साइड में आएगा log 11 upon 9 is equal to, और यहां पर भी आपको सभी x की जगह पर यही वैल्यू पुट करनी है 1 upon 10 plus 1 upon 3 तो ऐसे ही रहेगा और यहां पर x की जगह पर 1 upon 10 की वैल्यू पुट कर, x की जगह 1 upon 10 पुट करेंगे 3 plus 1 upon 5 को ऐसे ही रखेंगे, 1 upon 10 को पुट करेंगे आप कि पावर 5 हो जाएगी प्लस 1 upon 7 को ऐसे ही रखेंगे और 1 upon 10 की पावर कर देंगे 7 एंड प्लस, और इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको यहां पर कैलकुलेटर से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेटर से इस वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से आप मैक्लॉरिन सीरीज से, मैक्लॉरिन सीरीज से और भी बहुत सारे फंक्शन की सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां पर जो देखिए log 1 plus x की सीरीज आई है, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आगे के क्वेश्चन में। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है ना, ट्राई योर सेल्फ। यहां पर अगर आप देखें तो log 1 plus x आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, log 1 plus x की जगह पर log 1 plus x की सीरीज यहां से पुट कर देंगे डायरेक्टली। मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखिए एक तरीका तो ये कि आप इसमें फिर से मैक्लॉरिन सीरीज लगाएं और फाइंड आउट करें पहले, लेकिन अगर आपको याद है सीरीज, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली यहां पर पुट कर दें। ठीक है, ये देखो नीचे जो लिखा है 1 plus bx, इसको ऊपर ले जाएं, 1 plus bx की पावर माइनस 1 हो जाएगी, उसको बाइनोमियल थ्योरम से क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने के बाद दोनों को सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको फाइंड करने किसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, इसमें जो a और b आपके पास आ रहे हैं इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान दीजिए नीचे क्या कहा है कि ये जो सीरीज है ये x की पावर 4 से स्टार्ट होगी, इसका मतलब x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 वाली जो टर्म होंगी उनको आप जीरो पुट कर देना, जीरो पुट करने के बाद आपके पास a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो आपको ट्राई करना है घर से। ठीक है, अपने आप इसको करें। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे टेलर सीरीज, तो मैक्लॉरिन सीरीज के और भी क्वेश्चन आप लोग अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में चेंज है, बाकी स्टेप वही है चार जो अभी हमने किए, तो आसान टॉपिक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।